नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धूरिया। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि दिलीप कुमार को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है। डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। पत्नी सायरा बानो ने दिलीप कुमार के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी दी है। सायरा बानो ने बताया कि दिलीप कुमार को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और इसी के चलते उन्हें रविवार सुबह 8:30 बजे खार के हिंदुजा अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। आपको बता दें, ये एक नॉन कोविड अस्पताल है। नितिन गोखले की देखरेख में दिलीप कुमार के सारे टेस्ट लिए जा रहे हैं और उनका इलाज जारी है। आपको बता दें, पिछले महीने भी दिलीप कुमार हिंदुजा अस्पताल में भर्ती हुए थे। उनकी पत्नी सायरा बानो ने बताया था कि वो रूटीन चेकअप के लिए भर्ती हुए हैं। दिलीप कुमार के स्वास्थ्य कारणों के चलते समय समय पर उनका रूटीन चेकअप होता रहता है। इसके कुछ दिनों बाद सारे रिपोर्ट्स ठीक आने के बाद एक्टर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। आपको बता दें कि दिलीप कुमार 98 साल के हैं। कोरोना काल के चलते उन्होंने पूरी सावधानी बरती हुई है। पत्नी सायरा बानो दिलीप कुमार का खास ख्याल रखती हैं। इसके साथ ही वो दिलीप कुमार का ट्विटर अकाउंट भी हैंडल करती हैं और उसी के जरिए सायरा बानो दिलीप कुमार के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी देती रहती हैं। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले दिलीप कुमार ने कोरोना महामारी को देखते हुए सभी से अपना ख्याल रखने की अपील की थी। ट्वीट में लिखा गया था, सभी लोग सुरक्षित रहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।